झारखंड सरकार के योजना फेल होने के बाद केंद्र सरकार की योजना को धरातल पर उतार कर यहाँ के लोगों को पानी मिले और किसान आत्मनिर्भर बन सके, उसके लिए नीति आयोग ने पहल करते हुए गढ़वा जिला में वर्षा की पानी को रोककर ग्रामीण किसान के बारे में पहल करते हुए एक नई स्कीम के तहत एक योजना का प्रारंभ किया, जिससे ग्रामीणों को सीधा इसका लाभ मिल सके। लेकिन गढ़वा जिला विगत कई वर्षों से अकाल के चपेट में है, लेकिन नीति आयोग, सेंट्रल कमेटी की टीम और जिला प्रशासन, पानी पंचायत के संयुक्त तत्वाधान में एक अनोखी पहल करते हुए गढ़वा जिला के गढ़वा प्रखंड क्षेत्र के परिहार पंचायत के ककरे गांव स्थित बसारत बांध में तालाब निर्माण कार्य कराया जा रहा है, ताकि यहां के लोगों को पलायन ना करना पड़े और ग्रामीण किसान खुद ही गांव में खेती करते हुए अपना रोजगार कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। देखिए गढ़वा से ये खास रिपोर्ट। वहीं अगर बात करें तो इस तालाब निर्माण से एक तरफ किसानों को पानी मिलेगा तो दूसरी ओर पशु पक्षी को भी राहत मिलेगी, जिससे वे अपनी प्यास बुझा सकेंगे। वहीं ग्रामीण की बात करें तो स्थानीय ग्रामीण किसान ने बताया कि यह पानी इस गांव के आसपास रहने वाले लोगों के लिए एक वरदान साबित होगा। इस तालाब का निर्माण लगभग 7 दशक पूर्व यानी 70 वर्ष पूर्व में हुआ था, लेकिन आज इस तालाब के मिट्टी एक उपजाऊ मिट्टी के साथ खाद पदार्थ से भरा हुआ है, जिसे किसान अपने बंजर भूमि खेत में इसका उपयोग कर रहे हैं, ताकि उनका फसल अच्छी गुणवत्ता वाला हो और उनके फसल को ऊर्जा मिल सके। अगर बात की जाए गढ़वा जिला की तो गढ़वा जिला आकांक्षी जिला में आता है। इस तरह के तालाब निर्माण से सीधा लाभ ग्रामीण किसान ले सकते हैं और इस तालाब से मछली पालन भी करते हुए अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, जिससे मछली पालन कर ग्रामीण अपनी कमाई का जरिया और दूसरे प्रदेशों में जाकर अपना रोजगार ढूंढते हैं, उससे राहत मिल सकता है। गढ़वा जिला के लिए इस तरह का तालाब निर्माण एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में भी देखा जा सकता है, जिससे इसका सीधा लाभ ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को होगा। इस मिट्टी को अपने हम खेत में ले जा रहे हैं, क्या सड़ा हुआ मिट्टी है या उपजाऊ मिट्टी है, इसे हम लोग समतलीकरण करके जेसीबी से उठा कर ले जा रहे हैं, इसको प्लेन करके इसमें धान, गेहूं, मक्का, अन्य फसल इसमें उगाएंगे हम। लगभग 70 वर्ष ऊपर का पुराना तालाब है, कार्यकरण हो रहा है अभी, पानी जमा होगा, पानी जमा होगा तो इसे निकलेगा पानी, इसे धान, गेहूं, चना, मंसूर वगैरह की खेती होगा, इस पानी से किसान आत्मनिर्भर बनेंगे। जो यहां से प्लान करते थे, जो बाहर जाते थे, यहां पर ही रह करके अपना खेती बाड़ी करेंगे, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिट्टी उपजाऊ मिट्टी है या खाद के रूप में काम करेगा, बागवानी के लिए, फसल के लिए, अन्य खेती के लिए, इसीलिए हम लोग इसे खाद के रूप में इसको हम लोग खेत में अपने डाल रहे हैं। बिहारी सिंह गांव का बसारत बांध है और यहां का जो 1970 में यह तालाब का निर्माण हुआ था, उस समय से अभी तो कोई काम नहीं हुआ था, तो जिला प्रशासन और ये नीति आयोग और सरकार के तरफ से संयुक्त तत्वाधान से तीनों का और विकास आयोग केंद्र के माध्यम से यह काम चालू कराया गया था। और दूसरा का चीज़ है कि यहाँ जो है उन लोगों के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा जो बैठक किया गया था, उन लोगों के द्वारा बताया गया था कि यहाँ के किसानों का जो ज़मीन का खाद और बीज देने से ज़मीन का उर्वरा शक्ति ख़त्म हो रहा था, वैसे जो ज़मीन का जो है उसमें जल जमा हुआ था, वैसा मिट्टी ले जा करके अपने किसानों को अपने खेत में ले जा करके और उसको ज़मीन का उपज बढ़ाने के लिए हम लोगों ने ले जा करके अपने खेतों में किए हैं, ताकि ज़मीन का जो है शक्ति ऊर्जा बढ़े और उससे उपज भी बढ़े। और यहाँ का लोगों को, इस क्षेत्र का लोगों को जो काम नहीं हुआ था इसे, और काफ़ी अकाल रहने के कारण जो है इसमें पानी सूख जा रहा था, तो अगर अभी काम चालू हुआ है तो इससे अगर बारिश होगा तो इसमें पानी का जमाव होगा और यहाँ के लोगों के लोग जो है सिंचाई के लिए ही और पानी का जमा होगा, सिंचाई करेंगे, सब्जी उत्पादन करेंगे और धान के समय और गेहूँ के समय उसको उपज करेंगे। ये फायदा होगा कि जो बांध का जो काम हुआ, जो पानी सूख जा रहा था, अकाल हो जा रहा था और पानी बाहर निकल जा रहा था, और ये काम हुआ है और काम जो मिट्टी जो निकला है उसे
पानी का रोकाव होगा और इससे जब पानी रोकाव होगा तो गांव के लोगों के आप सब्जी के लिए, गेहूं के लिए या धान का जो समय होता है उसको उपज बढ़ेगा और खेती किसानी करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कलामुद्दीन अंसारी है। यह तालाब 900 फीट बाई 900 फीट 3 फीट गहरीकरण हो रहा है, जिसमें यहाँ के लोगों का जो भी है पलायन जो करता है उन लोगों को खेती गृहस्थी करेगा, मछली भी पालन करेगा, पलायन पर रोक होगा और आपका अपना जीवन सुखी सुखी से यहाँ पे लोग बिताएगा। यहाँ के जितना भी ग्रामीण है, जितना भी नज़दीकी का जो ज़मीन है, उन लोग यहाँ से सिंचाई करेंगे पंप के माध्यम से या मोटर के माध्यम से और उन लोगों को बहुत ही उपलब्धियाँ यहाँ पर। उन लोगों को बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से ही पानी के से सिंचाई करके सब्जी उगाएंगे, मार्केट ले जाएंगे और अच्छा से अपना घर परिवार चलाएंगे। यहाँ से पानी से समय समय पर जो भी फसल होता है, जैसे में सब्जियाँ अभी उगाना है तो सब्जी लोग भी उगा सकते हैं, क्योंकि पानी का जल स्तर भी बढ़ जाएगा, जो भी बरसात में पानी स्टॉक हो जाएगा, धान का भी फसल अच्छा से होगा। यहाँ पे अगर सुखाड़ भी होगा तो कुछ समय तक के लिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, सिंचाई करके अपना फसल को सही समय पर उपजा के मार्केट लोग चढ़ा सकते हैं और अपना वो जो भी है पलायन के लिए रोक कर और अपना परिवार के साथ सुखी से समय व्यतीत भी कर सकते हैं। नीति आयोग द्वारा जिला प्रशासन के माध्यम से पानी पंचायत द्वारा यह तालाब का निर्माण किया जा रहा है। यह तालाब लगभग 70 वर्षों से इसमें कार्य नहीं किया गया था, इससे यहाँ पे जितना भी किसान है उससे लंबावित होंगे। माल मवेशी के पानी यहाँ पे बहुत दूर है, यहाँ पे पानी की भी व्यवस्था हो जाएगा, पानी भी पियेंगे लोग जो पलायन करते हैं, इसमें मछली पालन करके अपना जीविका भी उत्पादन कर सकते हैं और यहाँ पे जो भी जनता लोग हैं या खुशी से अपना यहाँ स्वेच्छा से मिट्टी लेकर जा रहे हैं उपजाऊ के लिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है और लोग सभी लोग मिलकर यहाँ पे जितना भी कमेटी है पानी पंचायत का सभी के सहयोग से यह कार्य को किया जा रहा है। इससे मुख्य फायदा इधर जंगल भी है, जंगल के पशु भी उतरते हैं, उनको पीने के लिए भी ज़रूरत है और यहाँ के जो भी किसान हैं इस जगह जितना भी बगल में है किसानी करने के लिए पानी के बहुत दिक्कत था, उन लोगों को पानी का स्टोर हो जाएगा तो उन लोग सिंचाई भी करेंगे, यहाँ के लोगों को फ़ायदा होगा। शंभू चौधरी हुआ।